विदाउट नोइंग दीज फाइव ज्वेलरी ट्रेंड्स, आप ज्वेलरी तो पहनोगे, स्टाइलिंग तो करोगे, बट एट योर बेस्ट नहीं लग पाओगे। मनीष मल्होत्रा ने इस ट्रेंड की शुरुआत करी, उसके बाद अंबानीज में जितने भी सेलिब्रिटीज आए, चाहे वो अंबानीज खुद हो, एवरी सेलिब्रिटी इज वेयरिंग इट, चाहे वो सिर्फ इयरिंग हो, चाहे वो नेकलेस हो, चाहे वो पूरा का पूरा ब्राइडल ही क्यों ना हो। 2024 वेडिंग सीजन इज हियर। आज के वीडियो में आपको बताता हूँ पांच ज्वेलरी ट्रेंड जो आप चाहे एज अ ब्राइड पहने, चाहे नॉन ब्राइड पहने, चाहे किसी फंक्शन में जा रहे हो, अगर आप पहनेंगे तो आप लगेंगे क्लासी और एलिगेंट। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते, मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। पार्टीज और फंक्शंस में तो आप जाते ही हैं और आप ज्वेलरी भी पहनते हैं और स्टाइलाइज भी करते हैं, बट कैन यू अफोर्ड टू मिस दिस वीडियो? विदाउट नोइंग दीज फाइव ज्वेलरी ट्रेंड्स, आप ज्वेलरी तो पहनोगे, स्टाइलिंग तो करोगे, बट एट योर बेस्ट नहीं लग पाओगे। सबसे पहला ट्रेंड है लेयरिंग का, ये आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। आप चाहे ब्राइड हो, चाहे आप किसी की वेडिंग में ही क्यों ना जा रहे हो, लेयरिंग इज अ मस्ट। मिनिमम लेयरिंग दो लाइन की भी कर लीजिए तो भी चलेगा। मनीष मल्होत्रा ने इस ट्रेंड की शुरुआत करी, उसके बाद अंबानीज में जितने भी सेलिब्रिटीज आए, चाहे वो अंबानीज खुद हो, उन्होंने लेयरिंग को बहुत ज्यादा अपनाया। इसके बाद आपने प्रियंका चोपड़ा, कृति शैनन को भी आराम से ये फ्लॉन्ट करते हुए देखा ही होगा, आई एम श्योर। तो लुक फॉर दोज नेकलेसेस जहां पर मिनिमम दो लेयर तो हो ही। आप ऐसे भी नेकलेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आप अलग अलग नेकलेस पहने और ओवरऑल उसका जो अपीयरेंस है वो एक लेयरिंग का आ जाए। आप साड़ी पहन रहे हो तो भी, आप एंटी गोल्ड का कुछ नेकलेसेस पहन रहे हो तो भी, आप दो या तीन नेकलेसेस को लेयर कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि किसी भी नेकलेस को आप भारी ना रखें। अगर आपने ऊपर वाला भारी रख लिया और उसके बाद आप लॉन्ग पहनेंगे तो वो शॉर्ट एंड लॉन्ग का कॉम्बिनेशन लगेगा, लेयरिंग नहीं लगेगी। यहाँ पर मैं आपको वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ जो कि हमारे ही हैं, dazzlejewelry.in पे मिल जाएंगे आपको, जिसमें ऑटोमेटिकली दो लेयर हैं, नहीं तो आप उनके कॉम्बिनेशन में उनको तीन चार पाँच लेयर में भी पहन सकते हैं। आइए पहले ब्राइड का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्राइड्स को हो सकता है कि लेयरिंग हल्की लगे, जैसे परिणीति चोपड़ा ने पहना, बहुत सारी लेयर्स थी पहनने को, तो प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी वेडिंग में बहुत सारी लेयरिंग की थी, बट कई बार मैंने देखा है कि ब्राइड्स को हल्का लग सकता है। ऐसे में लेयरिंग की ट्रेंड को अपनाना है तो आप अपने संगीत में, मेहंदी में, हल्दी में या कॉकटेल में किसी ना किसी फंक्शन में अपना जरूर लें, तो लगेगा कि आप विद दैट ट्रेंड हैं। और फिर आप ट्रेडिशनल जैसा चाहते हैं अपनी शादी में वैसा पहन लें, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। अगर आप किसी की वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो या किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप साड़ी पहनते हैं तो आप एंटी गोल्ड का एक लाइट नेकलेस लीजिए, उसके नीचे एक ऐसा नेकलेस लीजिए जो पूरा लॉन्ग ना हो, हल्का सा पेंडेंट स्टाइल का आता हो, और उसके बाद एक और लॉन्ग ले लें तो बेहतर है। नहीं तो आपका कंफर्ट या ओकेजन ऐसा कहता है कि आपको दो ही लेयर करनी चाहिए तो भी आप अमेजिंग लगेंगे। इससे पहले कि मैं सेकेंड पॉइंट पे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ई बुक लिखी है 88 पेजेस से भी ज्यादा, इतनी ज्यादा डिटेल में मैंने बात करी है। ये बुक डेडिकेटेड है ब्राइड्स को। ब्राइड्स अपनी शादी को लेकर के 50,000 तरीके कन्फ्यूजन से घिरी रहती हैं। फिर वो चाहे उनका फेस शेप हो, चाहे उनका बॉडी टाइप हो, उसके हिसाब से लहंगा कैसा लेना चाहिए, ज्वेलरी कैसी लेनी चाहिए, इयरिंग कैसी लेनी चाहिए, मेकअप कैसा कराना चाहिए, हेयर स्टाइल कैसा कराना चाहिए, ओवरऑल स्टाइलिंग टिप्स क्या रखनी चाहिए, इतना ज़्यादा डिटेल में मैंने इस ई बुक में मेंशन किया है, बिकॉज एक जगह ये सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। मैंने 150 से ज़्यादा वीडियो की हैं अपने चैनल पर इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए, एस्पेक्ट्स को समझाने के लिए, बट ये एक बुक में कंसाइज करके डिटेल एग्जाम्पल के साथ लाया हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैंने ऐसे वेबसाइट्स के लिंक भी दिए हैं अपने ईबुक में, जिनको क्लिक करके आप सिंपल अपने मेजरमेंट्स डाल के भी अपना फेस शेप, बॉडी टाइप्स एंड अदर एस्पेक्ट्स पता कर सकते हैं। कलर थ्योरी क्या है, स्किन टोन क्या है, कंट्रास्ट कलर कैसे सिलेक्ट करते हैं, साड़ी पे कैसे सिलेक्ट करते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड। परचेस करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, मेरी वेबसाइट पे जाकर के आप उसे परचेस कर सकते हैं। सेकेंड ट्रेंड ज्वेलरी का भी शुरू किया हुआ है मनीष मल्होत्रा जी के द्वारा। इन्होंने क्या किया कि जो जनरली ज्वेलरी में पॉलिश आता है, गोल्ड, सिल्वर, रोज गोल्ड या विक्टोरियन, उसको चेंज करके इन्होंने एक मेहंदी टाइप का यानी कि एंटी गोल्ड पॉलिश को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको इंट्रोड्यूस करने से हुआ क्या कि जितने भी ड्रेसेस आ रहे हैं उसमें जो भी एम्ब्रॉयडरी का, तारों का, जरी का, जरदोजी का काम हो रहा है, उससे टोन टू टोन ज्वेलरी मैच कर जाती है। मनीष मल्होत्रा के मैं आपको काफ़ी आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, यहाँ तक कि राधिका मर्चेंट और शादियों में भर भर के मनीष मल्होत्रा की ज्वेलरी पहनी गई, तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि कितना ज़्यादा इन ट्रेंड है। एवरी सेलिब्रिटी इज वेयरिंग इट, चाहे वो सिर्फ इयरिंग हो, चाहे वो नेकलेस हो, चाहे वो पूरा का पूरा ब्राइडल ही क्यों ना हो, वो पूरा का पूरा खिलता है। पहले कन्फ्यूजन होती थी कि यार कुंदन बहुत वाइट लग रहा है, गोल्ड पॉलिश है, मेरे लहंगे में तो इतना कुछ गोल्ड है नहीं, उसका ये परफेक्ट आंसर है। और सिर्फ ब्राइड ही नहीं, नॉन ब्राइडल आपके लिए भी मैं यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी दिखा रहा हूँ, गो फॉर इट, यू विल नेवर रिग्रेट इट। तीसरे ट्रेंड की बात करते हैं, ऑक्सीडाइज नेकलेस सेट्स। सिल्वर ऑक्सीडाइज नेकलेस सेट्स के बहुत सारे फैंस होते हैं, बहुत सारे लोग
अपने साड़ी पे, अपने कुर्ते पे, अपने मॉडर्न डे टू डे वेयर में भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, चाहे वो कानों में हो चाहे वो गले में हो। इसमें ट्रेंड की क्या बात है? देखिए, इसमें एक आता है जो पूरा ऑक्सीडाइज होता है, बहुत हल्के मेटल का होता है, वो एक्चुअली में सिल्वर का फील नहीं देता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ब्रास बेस्ड होता है, जो हमारे कलेक्शन में आपको मिलता है, जो एग्जैक्टली आपको सिल्वर ज्वेलरी की फीलिंग देता है, आप उसको सिल्वर ज्वेलरी से अलग कर ही नहीं पाएंगे। इसमें भी ट्रेंड क्या है? टू टोन का। उसमें सिल्वर ऑक्सीडाइज टोन भी होगा और गोल्ड टोन भी होगा। ये दोनों का मिक्स वाले टोन का जब आप कुंदन के साथ पहनते हैं तो अमेजिंग फील आती है। ये ट्रेंड में है, मैं आपको यहाँ ज्वेलरी भी दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें किस तरीके से ड्यूअल टोन का काम है, साथ में अगर कुंदन के नगों को शुमार कर लिया जाए तो इससे ज़्यादा ट्रेंडी कुछ नहीं हो सकता। फोर्थ ट्रेंड उन सभी साड़ी लवर्स के लिए जो कि एंटीक गोल्ड नेकलेस की तलाश में रहते हैं अपनी साड़ी के साथ पेयर करने के लिए। अब चाहे वो सिल्क साड़ी हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की साड़ी हो, मैसूर सिल्क हो, बनारसी सिल्क हो, साड़ी किसी भी तरीके की हो, आपको पता है कि एंटीक गोल्ड नेकलेस या लॉन्ग नेकलेस अगर आप पहन ले या चोकर अगर आपकी गर्दन अलाउ करे तो वो जचता ही है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द साड़ी। बट इसमें नयापन चाहिए, आंख बंद करके वही पुराने पहनते रहे मजा नहीं आता। इसमें नयापन क्या है? ये नेकलेस सेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी खासियत है इसके बीट्स। यहाँ पर ये जो सी ग्रीन शेड इंट्रोड्यूस हुआ है, यकीन मानिए ये इतना फ्रेश शेड है ना कि देख करके ना मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है पीस में जान पड़ गई, ऐसा लगता है टोटली न्यू कलेक्शन, टोटली न्यू रेंज आ गया है। इसको आप किसी भी साड़ी में पहनिए, बिकॉज कलर ऐसा है कि कॉन्ट्रास्ट में खिल के ही आएगा और ये आपके एंटीक गोल्ड नेकलेस को पूरी की पूरी अलग वाइब दे देगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पूरी की पूरी खिल जाएगी। इसका पूरा कलेक्शन हमारी वेबसाइट पर है, मैं यहाँ पर आपको कुछ पीसेस भी दिखा रहा हूँ, ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिफ्थ एंड फाइनल ट्रेंड ऑफ द सीजन, मिस्टर सब्यसाची द रिनाउंड डिजाइनर को आप गेम से कभी भी बाहर नहीं रख सकते। इनका जो मल्टी कलर्ड एस्पेक्ट है वो इनका ट्रेडमार्क बन चुका है। मल्टी कलर्ड ज्वेलरी कंबाइंड विद मोजेनाइट स्टोन्स इज अ वाव फैक्टर। आप इसको किसी के साथ भी पहन सकते हैं। आपने नीता अंबानी को अपनी नॉर्मल फ्यूशिया कलर की साड़ी के साथ, किसी भी साड़ी के साथ पहने हुए देखा होगा। सब्यसाची एक ऐसा नाम बन चुका है कि अगर आप मल्टी कलर ज्वेलरी है तो आप किसी भी ड्रेस, किसी भी कलर, किसी भी अटायर के साथ पहन सकते हैं। और वैसे भी हमारे दादी नानियाँ जो थी वो मल्टी कलर की ज्वेलरी रखती थी जो किसी के साथ भी पहनी जा सकती थी। तो सब्यसाची का ये कलेक्शन जो मैं आपको यहाँ कुछ ज्वेलरी दिखा रहा हूँ, बाकी वेबसाइट पे फीचर्ड कलेक्शन के अंडर सब्यसाची कलेक्शन को चेकआउट ज़रूर कीजिए, आपका गेम टोटली चेंज होने वाला है। तो ये वीडियो था 5 लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में, ज्वेलरी ट्रेंड्स के बारे में, जिनको अपनाए बिना आप टॉप ऑफ द गेम अपने नहीं लग सकती। आपको स्टाइलाइज करना तो आता होगा, ज्वेलरी सिलेक्ट करना भी शायद आता होगा, बट ट्रेंड जाने बिना नो, नॉट पॉसिबल। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको कोई डाउट है किस तरीके की ज्वेलरी परचेज करनी चाहिए, उसके लिए हमारी वेबसाइट dazzlejewelry.in पे जाएं, नीचे चैट बटन हिट करें, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाइए, हम आपको सजेशन भी दे देंगे और आप परचेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक, बट ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर्स। दिस इज सौमित्र साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।